हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सियार इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दिस इज क्लास 8th टॉपिक एंड इन दिस वी आर टेकिंग पार्ट्स ऑफ अ सेल। पार्ट्स ऑफ अ सेल कंसिस्ट्स ऑफ मेनली टू पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, ये एक सेल है, ये इसकी आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? और इसके अंदर ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है। क्लियर? ये तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल के, आउटर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बेटा, ये सिंगल सेल जो आपको दिखाया गया है ये एक नॉर्मल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दो तरह के सेल होते हैं, और जो एनिमल सेल है उसमें कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती है जिसको हम उसकी रिजिडिटी के लिए पहचाने। लेकिन यदि हम प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट सेल को देखते हैं, तो उसमें एक आउटर कवरिंग होती है फॉर इट्स प्रोटेक्शन। और क्योंकि एनिमल सेल एनिमल की बॉडी के अंदर होता है, इस वजह से उसको प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल जाती है बाय द बॉडी। लेकिन प्लांट सेल को कोई आउटर कवरिंग नहीं मिल पाती है, इसी के कारण नेचर के द्वारा उसको एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड कराई गई है जिसको सेल वॉल कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही थिन होती है, और इसके अंदर ये अपने अंदर अलाउ करती है सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को एंटर करने और एग्जिट करने को। इस वजह से इस मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को इसके सर्वाइवल के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए अपने अंदर फूड पार्टिकल्स को और फूड सब्सटेंसेस को एंट्री करने को देती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस सेल को डिफरेंट अदर सेल से सेपरेट करती है, और जो अंदर का फ्लूइड है उसको एक पर्टिकुलर शेप देती है। यानी कि हम इसका फंक्शन कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का, कि इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर शेप टू द सेल एंड एनक्लोजेस द अदर ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इनसाइड दिस फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म अपने अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है। तो ये डिफरेंट और भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना जानेंगे कि जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनसाइड द फ्लूइड, ये जो डार्क कलर का सेंटर में आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस होता है, और यही न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको हम आगे जानेंगे। तो फिलहाल आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक सिंपल सेल में ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर भी एक
डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसमें इनर फ्लूइड जो है वो आउटर साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है, और ये सेपरेशन इस मेम्ब्रेन के द्वारा होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन जो है ये एक प्रोटेक्शन का काम भी कर रही है न्यूक्लियस के लिए, और इसको एक पर्टिकुलर शेप भी दे रही है, और इसी के अंदर ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो इन क्रोमैटिन मटेरियल्स को कैरी करता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर लिक्विड फ्लूइड, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म होल्ड करता है इन क्रोमैटिन मटेरियल्स को, और ये क्रोमैटिन मटेरियल्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग में यानी कि नवजात शिशु में अपने कैरेक्टर्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो हम इनको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। जीन जो कि इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है, और यही जीन्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, इनके ही अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे हेरिडिटरी को हमारे पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग तक ले जाने का काम करते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं कुछ पार्ट मदर का और कुछ पार्ट फादर का न्यू बेबी में ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारा फंक्शन इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है उसके द्वारा होता है, और इसके अंदर भी एक डार्क सर्कुलर पोर्शन आप देख रहे हो जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस आरएनए कैरी करता है जो राइबो न्यूक्लियक एसिड के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स को होल्ड करता है। बेटा ये जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम आप देख रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ यही बताने के लिए डायग्राम आपके सामने है। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल के आउटर पार्ट और प्लांट सेल के आउटर पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एक थिन मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि प्लांट सेल में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली है वो सेल वॉल कहलाती है, इसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। और क्योंकि ये इनसाइड एनी एनिमल सेल जो होता है किसी भी एनिमल बॉडी के इनसाइड होती है होता है, इस वजह से ये प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन प्लांट सेल ओपन होता है, मींस इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट, लेकिन क्योंकि ये बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरफेयर करता है इस वजह से इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है टू ओवरकम द हार्श कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स। तो इसी कारण से ये जो सेल वॉल है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के रूप में प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा दोनों में साइटोप्लाज्म होते हैं, ये जो डॉटेड पार्ट दिखाया है ये साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें भी आप देख रहे हो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो एनिमल सेल होता है इसमें मैक्सिमम यानी मोस्टली आप सेंटर में ऑब्जर्व कर सकते हो न्यूक्लियस को, जबकि प्लांट सेल में नियर द पेरिफेरी यानी नियर द सेल वॉल कहीं भी इसकी लोकेशन हो सकती है। इसके अलावा जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में ये बहुत ही टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं या मिसिंग होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं ये बहुत बड़े साइज़ के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बहुत लार्ज एरिया कवर करते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज यानी जिनको हम सेल ऑर्गन्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं,
सेम इसमें भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्लास्टिड एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो प्लांट्स में पाया जाता है, विच टेक केयर ऑफ द कलर ऑफ द प्लांट। और ये फ्लावर्स, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स और फ्रूट्स आप देखते हो, उस पर इन प्लास्टिड्स का बहुत असर होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आज पढ़ा उसमें हमने सेल पार्ट्स देखे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो देखा, और नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें और डिटेल में हम सेल के बारे में जानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।